इसका मकसद है ट्रांसजेंडर राइट्स और ह्यूमन राइट्स। ट्रांसजेंडर राइट्स हैं बिल्कुल, लेकिन ख़वातीन का हाल इसलिए बुरा है कि हमारे यहाँ बहुत पेट्रियार्कियल सिस्टम है। यहाँ पर मेल फर्स्ट क्लास जेंडर है, औरत को सेकंड क्लास और ट्रांसजेंडर को थर्ड क्लास जेंडर में समझा जाता है। तो इस वजह से ख़वातीन, और दूसरा मेरे ख्याल से लिटरेसी का बहुत बड़ा हाथ है, हमारे यहाँ ख़वातीन को पढ़ाया नहीं जाता है तो वो अपने फ़ैसले ख़ुद कर नहीं पाती हैं, तो इसलिए वो कम से कमतर हो जा रही हैं। लेकिन अब थोड़ा रुझान बदला है जब पढ़ी लिखी ख़वातीन आई हैं, पढ़े लिखे मर्द एक्चुअली आए हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम बराबर रह सकते हैं। इस दफ़ा हमें किसी को फोर्स नहीं करना पड़ा, हो सकता है तादाद आपको कम नज़र आ रही हो लेकिन ये वो तादाद है जो खुद आई है, बुलाने का फ़ोन भी नहीं करना पड़े कि आप आएँ। लास्ट टाइम तो चलें एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट खलीलुर्रहमान साहब की वजह से हो गया था कि लोगों ने ना चाहते हुए भी फ़ोन किए कि आप आएँ सपोर्ट करें, लेकिन ये जो तादाद है इनको तो हमें बुलाना भी नहीं पड़ा है। बहुत ही घटिया सोच है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको समझ आ चुका है कि अगर इन्हें आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है तो औरतों को साथ कर ही चलना पड़ेगा। औरत की ताकत यह है कि बच्चा सिर्फ वो पैदा कर सकती है, अपने पेट में सिर्फ वो रख सकती है, इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता।